नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव न्यूज़ में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज वॉइस का थर्ड एपिसोड हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और वॉइस में अहम मुद्दा हम लोग उठाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, आज बहुत महत्वपूर्ण जो आप लोग से संबंधित है, आम जनता से संबंधित है, उस मुद्दे को मैं उठा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। पूरे एपिसोड को आप लोग पूरा देखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में मैं आप लोग को आंकड़ा देने वाला हूं और महंगाई से लेकर के बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के दाम, पीछे के 10-12 साल के दाम, अलग अलग यूपीए गवर्नमेंट में रहते यूपीए के दाम और एनडीए, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से, उनके क्या दाम हैं, डीजल के क्या दाम हैं, सीएनजी जो अभी आसमान छू रहा है उसका क्या है, वो पूरा डिटेल मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। साथ के साथ बेरोजगारी दर अभी क्या चल रहा है, तो ये एपिसोड थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग पूरा देखिएगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा। दोस्तों शुरुआत करते हैं। अभी शुरुआत में पिछले 3 महीने से सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर नापा गया है, मतलब लगातार 6% से अधिक आया है। 6.95% अभी पिछले हफ्ते ही उसका एक आंकड़ा आया है और ये आंकड़ा लगातार 3 महीने से आ रहा है, जो 6% के ऊपर जा रहा है। दिसंबर 2021 की अगर बात करें तो उसमें 5.95% था और कच्चे तेल वस्तुओं की कीमतें, ये सब में तेज़ी आया है। जैसे प्लास्टिक हो गया, लोहा हो गया, कच्चे तेल आया है, क्योंकि 2-3 कारण है उसमें। एक तो रूस यूक्रेन का युद्ध, वो एक अलग वजह है। उसके अलावा सरकारों की जो भार होता है पेट्रोल और डीजल में, मनमानी तरीके से टैक्स, इसमें एक अहम जानकारी आप लोगों को देना चाहूँगा। 2014 से पहले 14% टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेना चाहती थी, लेती थी, तो 14 के बाद से और अब 2022 तक 32% सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है और 18% स्टेट गवर्नमेंट लेती है। मतलब 100 रुपये में 50 रुपये सिर्फ टैक्स आपको देना पड़ता है। अगर आज 115 रुपये पेट्रोल है कहीं का, तो मान के चलिए 57-58 रुपीज़ एक्चुअली उसका दाम है। गवर्नमेंट चाहे तो 60-70 रुपये में पेट्रोल आपको उपलब्ध करवा सकती है, इंटरनेशनल मार्केट में जो दाम है उसके रहते रहते। और अभी फ़िलहाल तो रशिया से भारत की डील हुई है, रशिया कम रेट में देने बोल रहा है और उसके बाद भी रेट कम नहीं हो रहा है। 14-15 दिनों में करीब करीब मान के चलिए 18-19 रुपये बढ़े थोड़ा थोड़ा करके। तो शुरुआत मैं आपको करने जा रहा हूँ, पहले मैं आप लोगों को यूपीए गवर्नमेंट में रहते कांग्रेस के और यूपीए गवर्नमेंट जो उनके साथी थे उनका रेट आपको बताने जा रहा हूँ। 2009 में 45 रुपये पेट्रोल का दाम था तो डीजल का 32 रुपये था। 2010 में बात करें तो 47 रुपये था, 47 रुपये 32 पैसा, और डीजल 35 रुपये 16 पैसा। 2011 में और बढ़ा, 10 रुपये करीब बढ़ करके 58 रुपये 37 पैसा आया, तो डीजल हो गया 51 रुपये। ये समय बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस समय में भारत बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा था और देश भर में नहीं पूरे विश्व में मंदी छाई हुई थी, जिसके कारण रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा था। और ये गवर्नमेंट जो आज एनडीए जो आज सरकार में है, महंगाई को रोक नहीं सकते कहती है, बयान अजीब अजीब तरीके के बयान देते हैं इनके नेता, वो पहले आंदोलन किया करते थे। 2012 में 61 रुपये 13 पैसे पेट्रोल का दाम था तो डीजल का 53 रुपये 4 पैसे था। 2013 में 63 रुपये 18 पैसा दाम हुआ तो डीजल का दाम 55 रुपये 61 पैसा।
ये पूरे 2009 से 13 तक का आंकड़ा है जिसमें यूपीए गवर्नमेंट रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं एनडीए गवर्नमेंट की। एनडीए गवर्नमेंट जब आई 2014 से और आज 2022 तक का दाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 2014 में 66 रुपये, 3 रुपये, 2.5 रुपये करीब करीब बढ़े जब मोदी जी आए तो फर्स्ट टाइम, और 61 रुपये सीधे सीधे 8 रुपये बढ़ा दिए डीजल में। 2015 में 70 रुपये 12 पैसा, इसमें 3.5 रुपये बढ़ोतरी हुई तो डीजल का हुआ 66 रुपीज़ 12 पैसा। 2016 में 74 रुपये 36 पैसा और डीजल का रेट हुआ 59 रुपये 31 पैसा। 2017 में 75 रुपये 16 पैसे तो डीजल का रेट हुआ 70 रुपये 32 पैसा। 18 में 78 रुपये 9 पैसे तो डीजल का रेट हुआ 75 रुपये 31 पैसे। उसी क्रम में 2019 में ध्यान दीजिएगा, 2019 में लोकसभा चुनाव होना था। लोकसभा चुनाव में ठीक पहले जनवरी में जो रेट आया वो आया 71 रुपये, मतलब 7 रुपये कम हो गया, जो लगातार बढ़ रहा था पिछले 4 सालों से। और डीजल का रेट भी जो 75 था वो 68 हो गया सिर्फ चुनाव के चलते। फिर 2020 में 76 रुपये 32 पैसा तो डीजल का रेट हुआ 74 रुपये 18 पैसा। 2021 में आसमान छुआ पेट्रोल ने, सीधे सीधे 19 रुपये बढ़ गया, 95 रुपये 85 पैसे तो 89 रुपये 95 पैसे डीजल। और 2022 में आज जिसकी बात करती है एनडीए गवर्नमेंट, मोदी जी बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय में तेल महंगा हो गया युद्ध के चलते, 2021 में शायद युद्ध नहीं था और कच्चे तेल की कीमत भी बाज़ार में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कम थी, लेकिन उसके बाद भी 19 रुपये बढ़ा था, ज़्यादा था उस समय में, बल्कि कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कम थी, काफ़ी कम थी, लेकिन उसके बाद भी पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे भारत में। 2022 में 115 रुपये 13 पैसा और डीजल का रेट है आज 108 रुपये 18 पैसे। ये बात हो गया पेट्रोल डीजल का मोदी गवर्नमेंट के पिछले 8 साल के, और उससे पहले यूपीए गवर्नमेंट के रहते हुए। उसके अलावा सीएनजी के भी जो दाम है वो सबसे हाईएस्ट दौर से गुजर रहा है अभी फ़िलहाल में, जो 2022 में 88 रुपये पर केजी सीएनजी फ्यूल का जो दाम है, इसकी थोड़ा सा मैं डिटेल देना चाहूँगा। सबसे कम दाम इसका 2012 था यूपीए गवर्नमेंट में, जो भारत में सबसे कम समय में सबसे कम था, 33 रुपये 12 पैसे लोएस्ट रेट। और 2014 में जब मोदी जी आए थे तो 45 रुपये 75 पर केजी ये था। तो आज जो स्थिति है देश भर में पेट्रोल और डीजल की प्लस सीएनजी की, उससे समझ में आता है कि महंगाई और आम आदमी का जीवन कितना कठिन है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग यूपीए गवर्नमेंट के रहते हल्ला किया करते थे और महंगाई को कम करने की बात किया करते थे, और जब हम आएंगे 2014 में तो ऐसा कर देंगे और मोदी जी तो देश को कहां से कहां पहुंचा देंगे, इस तरीके के वादे सब खोखले नज़र आते हैं आज पिछले 8 सालों में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ही नहीं, सारी ही चीज़ों में भारत की स्थिति गिरती जा रही है। भारत आज महंगाई का दौर मार तो झेल ही रहा है, उसके साथ साथ बेरोजगारी, भारत का जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी स्तर भी चरम पर है। 2019 में एक रिपोर्ट आई है, 2019 में 18.6 करोड़ युवा बेरोजगार हुए, तो 2020 में 22.4 करोड़ युवा, जो भारत के 75 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा 2020 में बेरोजगार हुए। और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से रिपोर्ट निकाली गई है।
ये हम लोग अपनी तरफ से नहीं कह रहे। 2021 में 21.4 करोड़ युवा बेरोजगार हुए, तो अभी 2022 में आकलन लगाया जा रहा है 20.7 करोड़ युवा बेरोजगार होने की संभावना है। अभी 3 से 4 महीना बीते हैं, 6-8-9 महीना और बाकी है। 2023 में उम्मीद लगाई जा रही है 21.1 करोड़ युवा बेरोजगार होंगे। ये एक आकलन के हिसाब से निकाला जाता है और गवर्नमेंट की वेबसाइट, गवर्नमेंट की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, उसके अलावा बहुत सारी जो समाजसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, वो देश भर के स्थिति के हिसाब से, देश के अर्थव्यवस्था के हिसाब से आकलन लगाते हैं और ये आकलन सही ही आते हैं अभी तक का जो मैंने आपको बताया है। एक रिपोर्ट बताती है CMII की कि जनवरी 2022 में 7.75% बेरोजगारी का दर नापा गया है, तो ग्रामीण में 8.31% नापा गया है। वहीं 2021 में 6.21% था और 2020 में 6.18 था और 2019 में, माफ करिएगा, 20 में 6.28 था, 2019 में 6.18%। इसका मतलब परसेंट नापा जाए, परसेंट के हिसाब से भी जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं हर साल बढ़ रहा है। आज 2022 में जो जनवरी की रिपोर्ट आई है वो सबसे अधिक है और आने वाले समय में ये स्थिति और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि एक तो अभी अभी कोरोना से पूरा विश्व गुजर रहा है, उसके अलावा स्थिति ठीक हुई थी कि वापस कोरोना आने को फिर संकट है, कई केस आ भी गए हैं दिल्ली वगैरह में। उसके अलावा भारत में जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत में गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, वो इतनी ढीली रहती हैं और इतने आम जनता के लिए घातक रहती हैं कि उसमें आप लोगों को कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ना ही है। इसमें अहम बात मैं ये जोड़ना चाहूँगा, इसमें सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, सवाल विपक्ष से भी है। आज विपक्ष उसी सरकमटेंसेज में घूम रहा है जहाँ सरकार घुमा रही है। पिछले 20-22 दिन में दंगे सारे न्यूज़ चैनल वहीं कवर कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं कर रहा इन बातों का, और ये स्थिति देश में है जो अभी मैं आपको बताया हूँ। बेरोजगारी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गई, महंगाई हो गई, ये सवाल कोई ना करे इसलिए सरकार इस तरह के दंगों को प्रायोजित करती है। उसमें सरकार नहीं, विपक्ष भी रहती है। क्या लगता है आपको, विपक्ष को ये सारी बातें पता नहीं रहती? क्या विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं वो बेवकूफ़ हैं? 60 सालों से सत्ता में बैठी कांग्रेस, जिसने कांग्रेस ने देश को चलाया, क्या उन्हें नहीं मालूम ये सारी बातें? वो चाहते हैं क्या? अगर वो चाहते तो इन सवालों को नहीं उठा सकते। इसमें सारे लोग मिले हुए होते, सरकार भी और विपक्ष भी। 2024 की तैयारी है, 2024 में चुनाव होना है और चुनाव बीजेपी दंगों से ही और सांप्रदायिक अलग अलग जातियों को, धर्मों को बांट के ही जीतती है। ध्रुवीकरण से ही भारत में चुनाव जीते जाते हैं, ये बात उनको समझ में आ गया है, क्योंकि हम भी हिंदू मुसलमान में फंस जाते हैं, एक आम आदमी भी हिंदू और मुसलमान में फंस जाता है। अभी हाल ही में बाबा रामदेव का एक बयान आया था, बाबा रामदेव से जब एक पत्रकार ने पूछा, जैसे बाबा रामदेव 2013 में आपकी अदालत में गए थे, आपकी अदालत में बैठे थे, उन्होंने न्यूज़ चैनल में, इंडिया टीवी के न्यूज़ चैनल में आपकी अदालत में जब सवाल किया एंकर ने, तो बाबा रामदेव ने कहा था कि आज पेट्रोल के दाम 65 रुपये हो गए हैं, 60-65 वाली आपको सरकार चाहिए या 40-45 वाली सरकार चाहिए? ये बात आम जनता को
संबोधन किया था उन्होंने प्रोग्राम में। तो इसी सवाल को जब एक पत्रकार ने पूछा उनसे एक प्रोग्राम में जब वो आए थे, तो उन्होंने उसको डांट कर कहा कि इस तरह के सवाल आप हमसे नहीं कर सकते, नहीं बताऊंगा आप क्या कर लो, इस तरह की बातें। साथ में नेताओं के जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, महंगाई तो बढ़ेगी ही, सब जगह बढ़ रही है, कांग्रेस की बात करिए, कांग्रेस समय में क्या हुआ, मैंने आप लोगों को बताया कांग्रेस के समय क्या हुआ, यूपीए गवर्नमेंट में कितनी महंगाई थी ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। यूपीए गवर्नमेंट में महंगाई का अगर दर नापेंगे तो वो दर और उतनी तेज़ी से महंगाई नहीं हुई थी, जैसे मैंने 5 साल में आपको बताया 45 से 63 18 रुपये बढ़े थे 5 सालों में पेट्रोल के दाम, वो भी उस पीरियड में जब मंदी थी 2009-10 में पूरे विश्व में मंदी आई थी, उस पीरियड में 18 रुपये केवल बढ़े थे पेट्रोल के दाम। और आज 66 से 115, 2014 में 66 थे, 66 से 115, लगभग मान के चलिए डबल 50 रुपये बढ़ गया है। अगर इसको हम एवरेज निकालें, आंकड़न निकालें, तो 3 गुना 4 गुना तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं देश में। युवा बहुत तेज़ी से बेरोजगार हो रहे हैं, पहले तो रोजगार सरकार में निकलने बंद हो गई, अब ये जो आंकलन बताएं, ये जो आंकड़ा बताएं, जो बेरोजगार हो रहे हैं ये प्राइवेट कंपनियों के बहुत ज़्यादा युवा हैं। प्राइवेट कंपनियां मोदी जी के बहुत सारे ऐसे फैसले, नोटबंदी, GST, इस तरह के घातक फैसलों की वजह से ना जाने कितनी कंपनियां बर्बाद हो गई। मीडियम कंपनियां, वो कंपनियां नहीं, अंबानी अडानी जैसे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो नहीं, वो तो चोरी करके भाग जाते हैं। जैसे हम लोग का एक एपिसोड चल रहा है अभी, घोटालेबाजों का बाजार, उसमें मैं रोज़ एक आप लोगों को घोटालेबाज और मोदी जी की दोस्तों की करतूत बता रहा हूँ। वो बर्बाद नहीं हुए, वो तो चोरी करते हैं हमारे पैसे को, बैंक से लूटते हैं और चले जाते हैं, भग जाते हैं, और सरकार जाने देती है मोदी जी की। बल्कि वो लोग बर्बाद हुए हैं जो एकदम मिडिल थे, मीडियम थे, मीडियम बिजनेसमैन, व्यापारी, जिनकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, वो बहुत सारी बर्बाद हो गई नोटबंदी और जीएसटी और नोटबंदी में काफ़ी लोग मर गए। नोटबंदी की वजह से आतंकवादी गतिविधि ख़त्म हो जाएगी, फ्रॉड नहीं होगा, ये सारी बात उन्होंने कही थी। तो भ्रष्टाचार तो 4 गुना तरीके से बढ़ा है मोदी जी पिछले 8 सालों में, कम से कम 14 से 15 बड़े बड़े घोटाले हुए, जिसको बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा ये घोटाले कौन कौन से। तो घोटाले भ्रष्टाचार में आप पूरी तरीके से फेल हो गए। उसके बाद महंगाई आपने बहुत तेज़ी से बढ़ाई है अपनी गलत नीतियों की वजह से। किसान मर ही रहे हैं, आम आदमी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, महंगाई के मार झेल रहा है, प्लस युवा बेरोजगार हो रहे हैं, जिसके कारण अपराध दर, भारत का अपराध दर बढ़ रहा है। जो अपराध पहले होते थे उसकी संख्या बढ़ी है, तेज़ी आई है। अगर मैं सिर्फ अपने एक एरिया की बात कर लूँ, भिलाई दुर्ग, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हम रहते हैं, जिले में चोरियाँ, अपराध, क्राइम की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। सिर्फ भिलाई दुर्ग की बात अगर हम लोग करें, छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा राज्य है जो बहुत सीधा साधा राज्य माना जाता है, जहाँ के लोगों के अंदर, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में दंगे नाम की चीज़ ना के बराबर होती नहीं है। 10 राज्यों में दंगे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ ना होगा, भिलाई दुर्ग में तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन क्राइम दर बढ़ रहा है, क्राइम हो रहा है। क्राइम क्यों हो रहा है? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार ख़त्म हो रहा है, युवा अपराध में कूद रहे हैं। तो ये सारे सवाल अब पूछे कौन? या तो विपक्ष पूछेगा या तो न्यूज़ चैनल पूछेंगे। न्यूज़ चैनल को टैकल कर रखा है मोदी जी ने, और मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक एपिसोड बनाया था जिसमें पत्रकार, जो पूछने वाले पत्रकार हैं, हम जैसे एक छोटे पत्रकार, यूट्यूब चैनलों के पत्रकार, जिनको उठा करके अंदर डाल देते हैं बिना उनके गलती हुए, बल्कि उन्होंने यूपी के
तीन पत्रकार उन्होंने यूपी में चल रहे जो स्कैम है उसको भी मैं स्कैम बोलूँगा, यूपी में जो लगातार एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उसका पेपर लीक हो जाता है उस पर सवाल उठाए थे, तो उन पत्रकारों को अवार्ड मिलने की बजाय उनको जेल में डाल दिया गया और अभी तक वो जेल में है। तो ये जंगल राज चल रहा है भारत में। तो आज जो मैं ये एपिसोड बनाया हूँ उसके पीछे का एक एक पेट्रोल और सीएनजी और बेरोजगारी महंगाई में अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें महंगी हो गई, लोहा प्लास्टिक सामान सारी चीज़ें। आम आदमी का जीवन पूरी तरीके से बदतर हो चुका है, तो सवाल तो उठेगा ही। तो सवाल यही है आप लोगों से इस प्रोग्राम के माध्यम से, क्या आप इस तरह की सरकार को लाना चाहते हो जो दंगेबाज हो, दंगाई और गुंडे जिस सरकार में भरे हुए हों, रोज़ क्राइम कर रहे हों देश भर में, और दूसरी तरफ महंगाई और भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से लिप्त हो। एक आंकड़ा और आप लोगों को देना चाहूँगा, यह आंकड़ा भी वेबसाइट का है। 325 सीटें इस वक्त एनडीए गवर्नमेंट में एनडीए के पास है, 325 से ज़्यादा ही है शायद, 330-335 अगर एनडीए को जोड़ लें, सिर्फ बीजेपी के जोड़ लें तो 295 सांसद इस वक्त लोकसभा में बैठे हुए हैं। उनमें से 184 बीजेपी की अगर बात करूं, 295 में 184 के ऊपर किसी ना किसी प्रकार का अपराध दर्ज है, अपराधी हैं वो, और वो सांसद बनकर के बैठे हुए हैं। एनडीए की बात करें, एनडीए में करीब ये संख्या आती है 222, 325 में 222 ऐसे सांसद हैं एनडीए में जिनको मंत्री और सांसद बनाए हैं, सांसद हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से क्राइम में इन्वॉल्व हैं, चाहे मर्डर हो, चाहे रेप हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे किसी भी तरह का क्राइम हो। उसके अलावा अगर पूरे लोकसभा की बात करें 545 में, तो 385 सांसद ऐसे हैं 70% जो किसी ना किसी तरीके से किसी अपराध में लिप्त है। 385 में 222 बीजेपी के पास है। तो आज का ये एपिसोड बनाने के पीछे मकसद यही था, ताकि आप लोग की आंख खुले, आप लोग समझें। मैं आप लोग को शुरू से अपने प्रोग्रामों के माध्यम से बताते आ रहा हूँ, आज भी मैंने बोला है कि जितनी भी विपक्ष है वो इन सवालों को क्यों नहीं उठाते, क्योंकि वो चाहते ही नहीं असली मुद्दे उठाने। ये दोनों सारी ही पार्टियाँ इसी तरह के कार्यक्रमों को करना चाहती हैं, क्योंकि किसी को दंगे कराने में फ़ायदा है, तो किसी को दंगे जो सत्ता में पार्टी है दंगा कराई है विपक्ष को, उस दंगे को भुनाने में फ़ायदा होता है। और उनको मालूम है महंगाई भ्रष्टाचार ये सब का, जैसे अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार पर कोई सवाल उठाएगी तो उनके 90% सांसद और विधायक खुद भ्रष्टाचारी हैं, खुद लिप्त हैं किसी ना किसी अपराध में, तो किस मुंह से वो उठाएंगे। खुद राहुल गांधी जी के जो जीजा जी हैं, सोनिया गांधी के दामाद, उन पर केस चल रहा है रॉबर्ट वाड्रा पर, किस तरीके से वो उनके 10 साल में यूपीए गवर्नमेंट 2004 से 2014 में रहते, 10 सालों में उनकी यूपीए गवर्नमेंट की सत्ता रहते, उन एक छोटे से दुकानदार से कितने बड़े वो व्यवसायिक हो गए, और किस तरीके से उनका बिजनेस बढ़ा 300-400% तेज़ी से, इससे समझ में आता है कि कांग्रेस इन मुद्दों को कहाँ से उठाएगी, उनके पास समय ही नहीं है। उसके अलावा जो बाकी हैं यूपी में बैठे समाजवादी पार्टी, सारे के सारे गुंडे, बहुजन समाजवादी पार्टी,
सारे के सारे भ्रष्टाचारी। मायावती, मायावती पर खुद बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारों का आरोप है, अपनी मूर्तियां बनाती फिरती थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ने रोज पेट्रोल बम और ना जाने क्या क्या कांड करते फिरते हैं ये लोग। तृणमूल कांग्रेस के ऊपर चिटफंड भ्रष्टाचार का खुद बहुत बड़ा एक आरोप लगा हुआ है ममता बनर्जी पर। तो जो खुद क्रिमिनल हो वो क्या इन सवालों को उठाएंगे? क्या कोई है जो उठा सकता है? मेरा एक सवाल और है दोस्तों, एक सवाल सोचने का लायक है। आज से कुछ साल पहले तक हमको बोला जाता था कि सरकारी स्कूल, जब हम लोग सरकारी स्कूल की बात करें, सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो सकती, सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती, सरकारी स्कूल एक अच्छे मॉडल स्कूल नहीं बन सकते, सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं हो सकते, क्योंकि वो सब के पीछे जो सरकारी कर्मचारियों पे सारी बातें थोप दी जाती थी, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करना चाहते, सरकार की भी बात नहीं मानते, सरकार नहीं करा पाती, इसलिए प्राइवेट को बढ़ाओ, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ाओ, प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ाओ, इस तरह की दलील दी जाती थी। 2016-17 में केजरीवाल के आने के बाद में उन्होंने जो एक मॉडल खड़ा करके दिया, मॉडल स्कूल और मॉडल हॉस्पिटल, जहाँ पर आपको अच्छे अच्छे लोग जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे वो प्राइवेट स्कूल से निकाल के अपने बच्चों को मॉडल स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जहाँ केजरीवाल गवर्नमेंट उन स्कूलों का पूरी तरीके से देखभाल कर रही है। अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। इसका मतलब मैं ये नहीं बोलता कि केजरीवाल ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी राजनीतिक पार्टी के आकलन जल्दबाजी में नहीं करता, क्योंकि मैं हम वो आदमी नहीं है जो 2014 में आप लोगों ने गुजरात विकास मॉडल की बात सुनी इन भ्रष्ट न्यूज़ चैनलों से और आपने इनको जाके वोट दे दिया, पता भी नहीं चला, पता भी आपने करने की कोशिश नहीं करी कि अंदर की बातें क्या थी। जो समाज ऑलरेडी काफ़ी विकसित था वहाँ पर विकास करना कितना आसान है, शायद ये सोचने और समझने की शक्ति आज आम आदमी में नहीं है, क्योंकि वो जानना ही नहीं चाहती। आपको अपने क्षेत्र में खड़े हो रहे विधायक कितने उम्मीदवार हैं वो आप जानने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ इतना जानते हो बीजेपी और कांग्रेस कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हैं आपके क्षेत्र में, बाकी जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं, पर्चा भर रहे हैं, वो कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, समाज सेवी हैं या किसी पार्टी में थे, चोर डकैत हैं, कभी आप लोग जानने की कोशिश नहीं करते। आप लोगों ने शायद ये भी जानने की कोशिश नहीं करी कि नोटा एक हमारे देश में आ गया है, जिसमें न्यूज़पेपरों में, बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में, न्यूज़ चैनल में छोटा सा कॉलम आता है कि इतने परसेंट लोग नोटा में वोट डाले। नोटा का मतलब होता है कि किसी भी सरकार को चुनने में, किसी भी पार्टी को या किसी भी नेता को चुनने के पक्ष में नहीं है, वो एक पावर आप लोग के पास है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि हम नोटा में भी वोट डालें, नोटा के लिए क्या क्या कानून आए हैं, नोटा को कितने तेज़ी से सरकारों ने बढ़ाया है। नोटा को यूपीए गवर्नमेंट, राहुल गांधी लाए थे, मनमोहन सिंह लाए थे, और नोटा का प्रचार, जैसे हमारे सरकारें वोट डालें हर कोई वोट दो इस प्रकार के प्रचार करते हैं, नोटा में प्रचार करें, इसका प्रचार कौन करेगा? इसके प्रचार के आप किसी प्रकार की कोई पार्टियां या सत्ता पक्ष करती है क्या? चुनाव में इस प्रकार के कोई प्रचार होते हैं? चुनाव आयोग क्या इसका प्रचार करता है? नहीं करता, क्योंकि कभी ये लोग चाहते ही नहीं है कि आप एक सही नेता को, सही पार्टी को चुने, आप लोगों की आंखें खोले। तो इस वॉइस 3 में आज जो मैं मुद्दा उठाया हूँ, महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम जो सबसे बुनियादी हैं, इन मुद्दों पर गौर करने की ज़रूरत है आप लोगों को, ना कि हिंदू मुस्लिम पर। हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होगा, और मेरी राय मानिए तो न्यूज़ चैनल को आप लोग देखना बंद कर दीजिए, न्यूज़ चैनल मत देखिए, और
हो सके तो अपनी आँख खोल लीजिए, वरना आने वाले समय में आपका और आपके बच्चों का, आपकी जनरेशन का क्या हाल होगा शायद आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और कोई नेता आपके लिए खड़ा नहीं होगा, किसी से उम्मीद मत करिए, खुद अपनी जागरूकता लाइए अपने अंदर, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाइए, जानकारी लीजिए, सारी जानकारी मिलती है अगर आप लोग कोशिश करो तो। और मेरी राय में आज की डेट में कोई पार्टी, कोई नेता ऐसा नहीं है जिसको वोट दिया जाए। मैं तो पिछले 8 साल से किसी को वोट नहीं दे रहा, पिछले 8 साल से मैं किसी को वोट नहीं दे रहा। और आप लोग से भी यही बोलूँगा, जब तक आप लोग वोट देना बंद नहीं करोगे इनको, तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। इनको सुधारना है तो इनको वोट देना बंद करिए, आराम से घर में बैठ करके आलू गुंडा और पकौड़ा तलिए और चुनाव में वोट डालने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा अपना नॉलेज बढ़ाइए, जानकारी लीजिए, राजनीतिक जानकारी लीजिए। राजनीति से भागना ठीक नहीं, राजनीतिज्ञों की जानकारी लेने की ज़रूरत है। और समाज में हर तरह का वातावरण रहे, समाज में हर पक्ष अच्छा रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, इसमें नेता, पुलिस प्रशासन, पत्रकार के अलावा एक आम जनता का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और इसमें योगदान दें। तो साथियों, अपने देश को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और हमारी एक मुहिम है, इस मुहिम में आप लोग हमारा साथ देंगे तो हमारी खुशी होगी, बाकी तो हम लड़ते रहेंगे। इस तरह के जो मुद्दे हैं वो उठाते रहेंगे, आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। आज तो मैंने सारे मुद्दों पे बात कर दी, पेट्रोल महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, आने वाले समय में एक एक मुद्दे पर अलग अलग तरीके से आप लोग के सामने चर्चा करता रहूँगा। साथ के साथ भ्रष्टाचार वाला जो मुद्दा है वो भी हम लोग लगातार उठा रहे हैं, रोज़ उठाएंगे, रोज़ एक प्रोग्राम आएगा, उसको आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना ख्याल रखिए। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों।